को धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लोगों का जो बीमार हैं, जो टैबलेट खा रहे हैं, जो चलने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, वह भी पुण्य के भागीदारी बनने के लिए जिनकी ललक है। हमारे सुनील भैया जो बीमार थे सुबह बुखार, इनको 4 दिनों से बुखार है और सुबह इन्होंने टैबलेट खाया, फिर भी कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में ये आने के लिए एक बार बोलने पे तैयार हो गए। मैं बोला आके सच में लग रहा है कि बीमारी दूर हो गया, बस थोड़ा सा धूप लग रहा है, धूप से बचने के लिए ये जरूरी है, ये तो बुखार है तो फिर बढ़ सकता है इसीलिए, लेकिन आके सचमुच बुखार तो उतर ही गया है। और आने से पहले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बलिया से ही पूरा रास्ता बंद है और जाम लगा हुआ है, और इनका मन एकदम हताश हो गया था कि हम क्यों जा रहे हैं उतना भीड़ में बीमार होने के बावजूद, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। लोगों को देख के, लोगों की श्रद्धा को देख के ऐसा ही एनर्जी आ गया है। आप देख सकते हैं 2 बज चुके हैं फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। आप देख सकते हैं सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है, और अभी शाम को 3 बजने को आ गए हैं, नहीं 2:30 बज रहे हैं, लगभग 2:30 से 3 के बीच हो रहा है, और अभी भी लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यह भीड़ और यह उपस्थित श्रद्धालु कितने ही श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम मुख्य द्वार को पार करके उसके उस पार जहां सत्संग और भंडारे का आयोजन किया गया है वहां तक पहुंचे और वहां का भी दृश्य आप सभी को दिखा सके, आप सभी को दर्शन करवा सके। अब हम मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे थे और मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाले थे, मुख्य द्वार का अद्भुत नज़ारा हमारे दिल को छू रहा था। अब हम मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुके थे और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। आप देख सकते हैं यह हमारे पीछे जहां हम अभी थे और यह हमारे आगे जहां हम अब पहुंचेंगे। यहां सामने आप देख सकते हैं दूर दूर तक पंडाल लगा हुआ है, उस कोने से लेके और इधर इस कोने तक काफ़ी दूरी में बना हुआ है जो हमारे कैमरे में कैद भी नहीं हो सकता है, जिसमें से एक तरफ महिलाओं के लिए पंडाल लगा हुआ है, एक तरफ पुरुषों के लिए लगा हुआ है, थके हुए श्रद्धालुओं के लिए विश्राम करने के लिए पंडाल लगा हुआ है, जो दूर दूर से आए हैं उनको रहने के लिए, ठहरने के लिए पंडाल लगा हुआ है, और बीच में जियर स्वामी जी महाराज का प्रवचन और कथा चल रहा है, वहाँ पे पूरा पंडाल लगा हुआ है और उसके अंदर भी आधे में बैठने की सुविधा। और यह सामने आप देख सकते हैं वही प्रवेश द्वार जहाँ से हम अभी प्रवेश करके आए हैं, इसके उस पार हवन कुंड बने हुए थे जहाँ हम अभी थे, और इस पार प्रवचन यहाँ हो रहा है वहाँ हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत था, यहाँ भी लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे, कहीं भी हमें थोड़ा सा भी पैर रखने के लिए खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस महायज्ञ में पुण्य के भागीदारी बनने आए हुए थे, और यह हमारे संस्कृति के लिए काफ़ी ही खुशी का, हर्षोल्लास की बात थी। काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, और सभी लोग अपना काम धाम छोड़ के, अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपनी ज़रूरतों के हर काम को छोड़ के इस महापर्व में, महायज्ञ में, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होने के लिए आए हुए थे। और काफ़ी साधु संत भी थे, और काफ़ी वाराणसी से, काशी से, और हरिद्वार से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, काफ़ी सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो आए हुए थे। काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम अपनी आवाज़ आपको नहीं सुना पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे प्रवचन चल रहा था जिसके वजह से हमारी आवाज़ आने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हमें वॉइस ओवर करना पड़ा।